हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 90% मुझे आशा है कि 90% यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन के और 6 मार्क में दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों। देखिए, बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, ठीक है दोस्तों, यानी जो घर आपके आता है सोडा, ठीक है, उसी को हम बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है, का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। ओके, उसका रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है यह पूछ रहा है, ठीक है, और इसके बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ये एक बड़ा सा काफ़ी क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में ये 6 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय करेंगे। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको हो जाए। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपके एग्जाम के थ्रू यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है कि बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखोगे उसके बाद लिखोगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaHCO3 है, ठीक है गाइज, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर हो गया कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaHCO3 है, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर हो गया। अब देखिए, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण हमें देना है और रासायनिक गुण में समीकरण देते हुए लिखना है। तो सबसे पहले इसके बनाने की विधि देख लेते हैं कि NaH यानी जो खाने वाला सोडा होता है जो आप लोगों के घर आता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए बनाने की विधि में, देखिए बनाने की विधि में क्या है, देखिए बनाने की विधि इस तरह, आप हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि देखिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है दोस्तों, प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। आसान है, एकदम आसानी से आप लोग याद कर लोगे बनाने की विधि कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, के क्या होता है कि सांद्र विलयन में, ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर हमें यह क्या होता है कि प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, जैसे देखिए NaH यहाँ है ना, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें देखिए हम लोग CO2 यानी वही इसमें मान लीजिए इससे हम अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा, ठीक है। और चूंकि कह रहा है कि अधिक मात्रा में यानी अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं, तो इसलिए इसके साथ एक और बार हम मतलब CO2 मतलब इसमें प्रवाहित करेंगे यानी एक बार और क्रिया होगी, ठीक है। तो हम लोग का ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट और जल, इसके साथ एक बार और हम CO2 से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O है और फिर हमने CO2 से क्रिया कराया, तो इस तरह आप क्रिया कराओगे, ठीक है, तो हम लोग का NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले हम लोग का यानी बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, ठीक है, 2 ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है, ऊपर यहाँ भी 2 लिखा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग का फार्मूला तो NaOH होता है, लेकिन आगे 2 लिखा गया है, 2NaOH, तो देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। आप लोग इसको मिलाओगे तो दोनों जो अणुओं की संख्या वो समान होगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग बनाने की विधि एकदम आप लोग को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके 2 भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ गुण, ठीक है, गुण मैंने लिखा है, आप लिखोगे तो भौतिक गुण लिखिएगा कि भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में फर्स्ट आप लोग लिखोगे कि यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अम्ल विलेय, ठीक है, सॉरी अम्ल बोला अल्प विलेय पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। सफ़ेद आप लोग जानते ही हो, जैसे आप लोग घर सोडा आता है तो आप लोग देखते ही वो सफ़ेद होता है, ठीक है, और जल में अल्प विलेय होते हैं यानी जल में अच्छी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला फर्स्ट के बाद सेकेंड, देखिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो जलीय विलयन यानी सोडे को जब हम जल में मिलाते हैं, ठीक है, और उसको हम उसका जब pH मान ले और pH मान के थ्रू उसको ज्ञात करें तो उसका मतलब जो वो विलयन होगा अम्लीय होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या है, ये भौतिक गुण है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा,
तीसरा ये रासायनिक गुण है और ये चौथा रासायनिक गुण है, क्योंकि ऊपर हमने दो भौतिक गुण और दो रासायनिक गुण पूछा था, ठीक है। तो जगह न होने के कारण मैंने इसको थोड़ा अलग अलग नहीं किया, एक ही में लिख दिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाले फर्स्ट और सेकेंड जो थे वो भौतिक गुण थे, अब ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों हैं रासायनिक गुण है। देखिए रासायनिक गुण में क्या है, देखिए इसको गर्म करने पर आप लोग लिखोगे तो यहाँ हेडिंग डाल दोगे ये रासायनिक गुण, उसके बाद फर्स्ट में लिखोगे कि इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी धावल सोडा में टूट जाता है तथा CO2 गैस निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे, तो देखिए जैसे NHCO3 है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा का यह फॉर्मूला है। अब इसको देखिए यहाँ ताप का ये चिन्ह है यानी इसको हम गर्म करते हैं, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जल तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल बना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाले सोडा को गर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ फर्स्ट रासायनिक गुण, उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड रासायनिक गुण। सेकेंड रासायनिक गुण क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है दोस्तों। यानी यह तनु अम्ल जो है उनके साथ क्रिया करके लवण जल तथा CO2 गैस बनाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप लोग देख ले समीकरण यहाँ देख ले, जैसे NaHCO3 है प्लस HCl है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है हम लोग का खाने वाला सोडा, जब खाने वाले सोडे को हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का ये देखिए इसमें से Na यहाँ और ये Cl, ठीक है, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए H2O बन गया यानी जल बन गया, और यहाँ देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, ठीक है दोस्तों। यानी इसको जब हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ ना OH आयन है और ना H+ आयन, और इसका मतलब क्या, ये न तो अम्लीय है, ठीक है, न तो अम्ल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है लवण है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे NaCl, ठीक है। तो ये हम लोग का ये तो फर्स्ट हम लोग का अभिक्रिया रही, यहाँ आप लोग ये सेकेंड अभिक्रिया देख सकते हो, मैंने दो लिखा हुआ है, आप केवल एक लिखिएगा आप लोग एग्जाम में आ जाए तो। देखिए यहाँ भी हम लोग का NaHCO3 हम लोग इससे अभिक्रिया यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया H2SO4 यानी तेजाब की अभिक्रिया कराई जा रही है, तो देखिए Na2SO4 जल और CO2 बन रहा है, और ये आगे दो ये सब मतलब समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को एकदम ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, जाइए उस लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। तो बस थैंक यू।